तेरे भाई का नाम क्या है? जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में भी लिपटकर, सोने में भी सिपटकर मरते हैं कई, लेकिन तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। जो देख रहे हैं, तुम लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, क्योंकि तुम लोग भारत के उन चुनिंदा लोगों में से हो जिन्होंने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लिया। मैं तुम लोगों की तहे दिल से इज्जत करता हूं, क्योंकि तुम लोगों ने देश सेवा के लिए अपने आप को चुना। एग्जाम किसका निकलता है, एग्जाम किसका नहीं निकलता, ये बहुत बात की बात है, लेकिन तुम लोगों ने अपने जीवन भर के लिए मेरे दिल में अपनी इज्जत जगा ली है। दोस्तों, जिस तरह आसपास का माहौल बना हुआ है, बहुत लोग जो कि किसी और के बारे में सोचते भी नहीं है, पूरे टाइम अपने बारे में सोचते हैं, ऐसे समय में तुम लोगों ने देश के बारे में सोचा, ये बहुत बड़ी बात है। अग्निवीर का नोटिफिकेशन आया तो तुम लोगों ने देखा होगा, कुछ कायर ऐसे थे जिन्होंने एग्जाम देना जरूरी नहीं समझा, उन्होंने प्रोटेस्ट करना जरूरी समझा। जिस चीज को सुनकर, जिस खबर को सुनकर उनके दिल में खुशी की लहर दौड़ जानी चाहिए थी कि भारतीय सरकार अग्निवीर को ओपन करके कितने नए नौजवानों को एंट्री दे रही है लेजेंडरी इंडियन आर्मी में, लेकिन कई लोगों ने उसकी भी नहीं, जो होना था वो हो गया। दिख गए आखिर हम लोगों को कि कितने कायर मौजूद है हमारे देश में, लेकिन तुम लोगों ने हमारी भारत मां की सेवा करने की ठानी है। तो दोस्तों, एग्जाम का रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा, इसकी फिक्र मुझे नहीं है। हम लोग अपना बेस्ट देंगे और उसमें सिलेक्ट होके दिखाएंगे, लेकिन एग्जाम में सिलेक्शन तुम्हारा होता है या नहीं होता है, ये बहुत बात की बात है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना कि ये देशभक्ति का दीपक है, ये तुम्हारे सीने में हमेशा जलना चाहिए आखिरी सांस तक। अब बात आती है एग्जाम की, आखिरी टाइम बचा हुआ है, किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करें। तो दोस्तों, फौजी का एग्जाम दे रहे हो तो एक बात याद रखना, वी फाइट टू विन एंड वी विन विद अ नॉकआउट, बिकॉज देयर आर नो रनर अप्स इन द वॉर। मतलब जब हम लड़ते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए लड़ते हैं, और जीतते भी नॉकआउट से हैं, क्योंकि वॉर में रनर अप नहीं होते। सबसे पहली बात, जितना भी समय बचा हुआ है अब बहुत जरूरी है सेल्फ एनालिसिस करना, अपने अंदर का कॉन्फिडेंस जगाना, अपने आप को किसी से भी कम मत समझना। दोस्तों, भले ही एग्जाम कैसा भी हो, ये मान के चलना कि तुम्हारी तैयारी सबसे बेहतर है, और डोंट लेट डाउन योरसेल्फ, किसी और की बात नहीं कर रहा हूं मैं, खुद की इज्जत रखना। जितना एग्जाम का ड्यूरेशन रहेगा उसमें अपना बेस्ट देना, ऑब्जेक्टिव पेपर है ये, नींद पूरी लेके जाना। यहां पर तुम लोग जितने अच्छे से नींद लेके जाओगे, अपना दिमाग उतने अच्छे से चला पाओगे। मुझे पता है प्रेशर बहुत होगा, लेकिन कई परेशानियां बात करने से हल हो जाती हैं। अपने पेरेंट्स से बात करो, उनको समझाओ क्या परेशानी है, बात करने से बड़ी बड़ी परेशानियों का हल निकल जाता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है जो कि अंदर से टेंशन में रहता है और बाहर अपनी मस्ती में लगा रहता है, अपने काम के लिए उसके अंदर सीरियसनेस रहती है लेकिन बाहर लाइफ को खुल के जीता है। और दूसरा होता है जो कि अंदर से उसको कोई टेंशन नहीं है, एग्जाम की कोई परेशानी नहीं है, वो सिर्फ शो ऑफ करता है, टेंशन में घूमता है, थोड़ा लो रहता है, खाना कम खाता है और दिखाने की कोशिश करता है, जो कि फेक होता है, दिखाने की कोशिश करता है कि वो कितना परेशान है। ऐसे लोग कुछ नहीं कर पाते। दोस्तों, बाहर से खुश रहो, अंदर से तुम कितने भी गंभीर हो, सीरियस हो एग्जाम में, ये बाहर दिखाने की जरूरत नहीं है। बाहर सबसे अच्छे से बात करो, अपने पेरेंट्स से, दोस्तों से, रिलेटिव से चिड़चिड़ाओ मत, सबसे लाइवली तरीके से बात करो, खुश रहो, परेशानी है तो शेयर करो, कुछ अच्छी बात है तो वो शेयर करो। शेयर करने से बहुत सारी चीजें हल हो जाती हैं। जब एग्जाम सेंटर पहुंचो तो कुछ बातों का बहुत ख्याल रखना।
कि हो सकता है कि वो स्कूल बहुत ज्यादा वेल मेंटेन ना हो, हो सकता है कि जो तुम्हारा इन्विजिलेटर हो वो बहुत अच्छे से बिहेव ना करे, लेकिन तुमको अगर किसी भी चीज से परेशानी हो रही है तो तुमको ये राइट है कि तुम अपने इन्विजिलेटर को, उस टीचर को गाइड करो कि मैम आवाज धीरे करिए, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, मैं एग्जाम में पेपर सॉल्व कर रहा हूं, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। अगर तुम्हारे टेबल पे जहां तुम्हारी आंसर शीट रखी हुई है अगर वो बबलिंग कर रही है तो मैम से बोलो कि मैम ये टेबल बहुत हिल रही है, इस पे मैं आंसर नहीं मार्क कर पा रहा हूं, मुझे कोई कागज का टुकड़ा दे दो ताकि ये बबलिंग ना करे। OMR में आपके आंसर शीट फिल होने वाले हैं, तो अगर वो टेबल प्लेन नहीं है, अगर उसमें गड्ढे हैं, तो प्लीज हेल्प मांगिए टीचर से और वो टेबल चेंज कराइए। ये छोटी छोटी चीजें आपको बहुत परेशान कर सकती हैं, स्पेशली ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में। वॉशरूम जाना तो कभी मैं एग्जाम के दौरान प्रेफर नहीं करता, लेकिन अगर वॉशरूम जाना है और अगर इमरजेंसी आ जाती है तो उस टाइम वॉशरूम को ना ढूंढने की जरूरत पड़े, इसीलिए एग्जाम से पहले ही अपने रूम के पास का वॉशरूम खोज ले। ये छोटी छोटी चीजें आपको एग्जाम के टाइम में डिस्टर्ब कर सकती हैं। पानी की बॉटल जरूर साथ में ले जाइएगा, बहुत जरूरी है, और लाइट खाना खा के जाइए, बहुत हैवी खाना खा लोगे तो नींद आएगी, इसीलिए बोल रहा हूं कि रात में अच्छी नींद लेना ताकि दोपहर में जो एग्जाम रहेगा आपका उसमें नींद ना आए और अपना 100% दे दो। सुबह जब एग्जाम रहेगा तो रात में ही अपना पूरा स्टेशनरी बॉक्स तैयार कर लें, कौन से कपड़े पहन के जाने वाले हैं, कौन से शूज पहन के जाने वाले हैं, ये आप लास्ट मोमेंट पे डिसाइड नहीं करेंगे, ये एक रात पहले ही डिसाइड हो जाना चाहिए। जो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल आउटफिट रहेगा आपके लिए वही पहन के जाइए, टेक्नोलॉजी कि कोई भी चीज ऐसी ना ले जाइए जिसके कारण आपको परेशानी हो जाए, मतलब डिजिटल वॉच वगैरह मत लेके जाइएगा। तुम्हारी तैयारी पूरी है और तुमको अपना बेस्ट देके आना है। ऑलवेज रिमेंबर द टास्क अहेड ऑफ यू इज नेवर एज ग्रेट एज द पावर बिहाइंड यू। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, एग्जाम देने से पहले अपने आप को एक बार ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म में इमेजिन कर लेना, अगर वो विजुअलाइजेशन सही बैठ गया तो कह रहा हूं गूज बम्स आ जाएंगे और एग्जाम में फुल एनर्जी के साथ अपना बेस्ट दोगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। जय